बढ़िया बढ़िया पढ़ा रहे सर, बढ़िया से। हाँ मस्त है। हाँ मस्त पढ़ा रहे सर, मस्त पढ़ा रहे। आज पहली क्लास है तेरी? हाँ आज पहली क्लास। आया कुछ समझ में? हाँ, पक्का? पक्का। टी शर्ट निकाल। हाँ निकाल है। देखो बॉडी इसकी, सिक्स पैक बना रखे। जय हिंद, नमस्कार। जितने भी बच्चे जो अकेडमी में आ रहे हैं नए, और आपके भी मन में कई डाउट रहता है किस प्रकार से पढ़ाई होती है, नए बच्चों के कैसे बेस शुरू होते हैं, अभी आपको कुछ नए बच्चों से मिलाते हैं, वो कितने संतुष्ट है अकेडमी से, साथ ही उनकी किस प्रकार से पढ़ाई होती है, ये भी आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं। आ जा भाई, चलते हैं, क्योंकि जो क्लास अभी लग रही है वो केवल जो नए बच्चे हैं या जिनको कुछ नहीं आता उनकी क्लास लग रही है भाई अभी, मैथ की। तो उसी क्लास में एंट्री करते हैं। बड़े दिनों के बाद मैं ऐसा कोई वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाता है। ये बच्चे हैं इधर जो पढ़ रहे हैं, पुराने वाले हैं, एक उधर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं भाई। अरे सो रहा है आगे बैठ के सो रहा है। क्या पढ़ा रहे सर बता, खड़ा हो, खड़ा जल्दी जल्दी, आप साइड में खड़ा। क्या गुणा भाग अभी लास्ट लेटेस्ट कौन सा गुणा किया इन्होंने? आंख मिची थी, आंख मिची है लाल, और आंख दिखा रहे इसकी, अभी आंख मिची है, दिखा आंख, आंख लाल बुन और की है। लास्ट लेटेस्ट तूने क्या पढ़ा था लास्ट, याद क्या तेरे को? क्या देखो? हाँ किसको किसी गुना, ये 251 को आपने गुना कराया था क्या? कब कराया था? वो बोल रहे 10-15 मिनट हो गए। अरे प्रभु, फिर आप बोलते फिर, अरे तो फिर मेरे पास में भेजो ना इसको, फिर देख, फिर तू वीडियो खराब कर देगा, फिर लोग बोलेंगे विराट सर बहुत पीटते हैं, जबकि मैं आज तक किसी को पीटा हूं क्या? पीटा कभी किसी को? तो फिर सरे आम में आया, मैं तो लाइट दुपाने आया आराम से मजे से भाई साहब ख्वाबों में। अरे कौन सी अच्छा, इसको एसी की रेंज से दूर बिठाओ। देखो बेटे का, देखो एक्सप्रेशन, देखो पढ़ने वाले, देखो देखो अब, देखो 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 अब तो मतलब इतना सीरियस है जैसे कि यही पढ़ रहा पूरी एकेडमी में। ये ऐसे भी है जैसे उसके बीच में कुछ शब्द बोल देगा, ये भी ऐसा लगेगा इसको, अच्छा इसको आपने बाहर निकाला था क्या? मैं सोचा सीरियसली पढ़ रहा हूँ सर। ओहो लो भाई, हाँ ये प्रभु क्या नाम है, अभी क्लास चल रही है भाई, मैथ की क्या सिखा रहे हो? मैथ में एक बार दिखा दे कि सर को और बोर्ड को दोनों को दिखा दे। हाँ क्या पढ़ा रहे हो सर? आज इनको ये सिखा रहा हूँ इक्वेशन सोल्व करना। अच्छा कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशन ऐसा? हाँ जैसे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो कैसे निकालते हैं? पार्ट सिखा दी इनको? हाँ ठीक है, ये बोला है आज सिखाया था। हाँ याद करके आए? हाँ कल गुणा भाग सिखाया था, आज भी वही सिखाया, अब ये सिखा रहा हूँ छोटी छोटी। नहीं इनको कल पार्ट याद है कहाँ तक के? बोल 12 का पहाड़ा बोल। 12 रुक जा, तो बोल दे इसी का, बोल 12 का पहाड़ा बोल, 13 का, एक मिनट भाई 13 का पहाड़ा बोलेगी। 96 हाँ भाई बच्चा आ रहा है ना, ऐसा लगता है। हाँ क्या नाम प्रभु? प्रेम वर्मा। कहाँ से हो? बिहार में। आवाज औरंगाबाद जिला। कितने दिन हो गए भाई? यही 7-8 दिन। 8 दिन हो गए, मन लग गया? हाँ। किसके साथ? किसके साथ किया? पढ़ाई के साथ। क्या पता मेरे साथ लग गया? सभी के साथ लगता है, सभी के साथ लगता है। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? हाँ। क्या पढ़ा रहे सर? यही अभी पढ़ाते हो, समझ में आता? हाँ। पक्का? हाँ। ऐसा नहीं भी टेस्ट में नंबर कम आया उस दिन तो बता दे, मेरे को समझ में नहीं आएगा सर। सही से पढ़ा रहे सर? पक्का? हाँ।
अभी भाई इनको सिखा रहे हैं जोड़ बाकी गुणा भाग, क्योंकि वो भी इनको नहीं आते हैं। ये पूरी की पूरी पार्टी वही है जिसको कुछ नहीं आता। इनका इस क्लास में जो सिलेक्शन है वो इस बेसिस पे हुआ है। बोला हमको कुछ नहीं आता बेटे बेटा। अरे इसी बेसिस पे है आप? कुछ है जिनको दो चार शब्द आते हैं? क्या नाम है प्रभु? सुभाष जाट। सुभाष जाट, देखो ये ऐसे गुणा करना सिखा रहे हो क्या? ओ शाबाश, लो इधर आ भाई, थोड़ा दिख रहा वहां से नोटबुक, ठीक है फिर रहने दो बोली। अच्छा गुणा भाग सिखा रहे, कितने दिन हो गए सुभाष जाट? एक महीना। अरे गुणा भाग सीख गया तू? पहले से आते हैं। आते पहले से, चलो बहुत अच्छी बात है। और पहाड़े कहाँ तक आते हैं? पहाड़े नहीं आते, याद नहीं तो याद करो भाई, क्योंकि पहाड़े के बिना मेहनत में कुछ नहीं होगा। भाई साहब अपने को पहाड़े आते हैं? हैं पहाड़े तो आते हैं जी, आते तो उसको सब है, लेकिन उसको पता है कि सर वीडियो बना रहे हैं, किसके डंडा फंडा नहीं मारेगा तो वीडियो कौन देखेगा, उस हिसाब से कंटेंट वाले हिसाब से काम करता है। नहीं 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 वो काम तो उसके सारे सही है, बस वो थोड़ा देर सोचता है कि विराट सर लग रहा है कि आज ड्रेस व्रेस पहन रखे, उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे तो अपने कंटेंट वाला काम करना है। वो शुभ चिंतक टाइप का आदमी है भाई, वो नहीं वो नहीं मान लो जूत खाएगा तो कौन खाएगा इनमें? वो एक और आदमी, दो ही आदमी मेरे पास में, दो तीन आदमी ले देंगे। हाँ तो पहाड़े नहीं आते, एक महीना हो गया है अब इनका भाई बेसिक से शुरुआत, समझ में आ रहा सर पढ़ा रहे हो? पक्का बैठ जा, कहाँ का रहने वाला है? चूरू। अच्छा बैठ जा, हाँ आदर्श खड़ा हो जा भाई, अभी दो ही दिन में आदर्श सर। कहाँ का रहने वाला है? यूपी। यूपी में? उन्नाव। उन्नाव सर पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है? यस सर। हिंदी में पढ़ा रहे हो? यस सर। ऐसा नहीं हो मारवाड़े बोलने लग जाते? समझ में आ रहा है? यस सर। बैठ जा भाई, क्या नाम है? लोकेश जाट। कहाँ का रहने वाला है? हरियाणा। हरियाणा में? पलवल। आ रहा समझ में कुछ? यस सर। कितनी एज है? 18। और कब आया था? तीन दिनों में। तीन दिनों के लग गया मन? पक्का? यस सर। देखो भाई ये भी कंटेंट है, ये इसलिए बाल बढ़ा के आया था, ये मेरे को बोल दिया था, बोला सर आप काटते हो ना इसलिए मैं बढ़ा के आया, मेरे से कटिंग कराने के चक्कर में। बैठ जा। नए नए प्राणी, एक ये नया प्राणी, क्या नाम भाई? मनीष जांगिड़। खड़ा हो जा। मनीष जांगिड़। कहाँ का रहने वाला जांगिड़? डीरवाना। आज पहली क्लास है तेरी? हाँ आज पहली क्लास। आया कुछ समझ में? हाँ सर। पक्का? पक्का। समझ में आया? पहले तैयारी किया है? हाँ नॉर्मल। तो फिर तो आ जाएगा तेरे समझ में। हाँ क्या नाम है? सर प्रियांशु जागा। कहाँ से? क्या प्रियांशु डागा? जागा जागा जागा। कब जागा? सुबह कितने बजे जागा तू? 4:40। चार बजे जागा सुबह? 4:40। 4:40 पे जागा सुबह। इसका नाम भी भाई प्रियांशु जागा। हाँ तो जागा, क्या कितने दिन हो गए जागा? 5 दिन। 5 दिन लग गया मन? बिल्कुल। ठीक हो रही पढ़ाई? बढ़िया है। बढ़िया पढ़ा रहे सर? बढ़िया से। हाँ मस्त है। हाँ मस्त पढ़ा रहे सर। मस्त पढ़ा रहे। रीजनिंग समझ में आती? क्लास ली रीजनिंग? हाँ ली, अच्छी है। आती है? आती है। और जीके तो मैं ले रखा हूँ तो समझ में आ जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं, वो तो समझ में आए जान आए याद हो ही जाएगी। हाँ छोटू क्या नाम है? हंसराज राव। सीट मिलनी किधर? धोधी। देखना दो ध्यान से धोना, नहीं तो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत तगड़े कमांडो है उठाने में, फिर ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ेगी टी शर्ट को। कहाँ का रहने वाला हंसराज? अजमेर में। वो सर पढ़ा रहे समझ में आ रहा है? पक्का। रीजनिंग वाले पढ़ाते हैं वो? कितने दिन हो गए तेरे को क्लास लेते हैं? 4 दिन। 4 दिन हो गए? बता आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? पक्का? वो रीजनिंग वाले सर पढ़ाते हैं वो? है या उनकी आ रहा है? रीजनिंग वालों की अलग से क्लास करनी जरूरत है? कॉमन चलने दें। हैं कॉमन में आ रहा समझ में? चलो फिर ठीक। अरे ओहो देवाय नमः। खड़ा हो जा, पहले खड़ा हो, टेबल पर खड़ा हो तू, इधर आ, टी शर्ट निकाल। हाँ निकाल है, देखो बॉडी इसकी, सिक्स पैक बना रखे इसने। क्या नाम है? अंकित। अंकित कहाँ का रहने वाला है? पुदुराटी झुंझुनू। झुंझुनू का? और किसकी तैयारी कर रहा है भाई? आर्मी। कितने दिन हो गए? देखो आर्मी की तैयारी कर रहा, शरीर देख लो, इसीलिए पीछे पीछे आके बैठा है, तुमने बताया किया देखे वो उसके अंदर से कदम पे चल रहा है। पहले तैयारी किया कभी? कितने दिन हो गए? 10 दिन। 8-9 दिन। 8-9 दिन हो गए। आ रहा समझ में सर पढ़ा रहे हो? मन लग गया? पक्का? किसके साथ? पढ़ाई के साथ। ओ पढ़ाई के साथ चल झूठे बेटा बोला पढ़ाई के साथ नीले, इसने बॉडी वॉडी अच्छी मेंटेन कर रखी है। क्या नाम प्रभु? अच्छा इसमें भी दो चार नए आदमी है। पीयूष। गला हुआ कुछ ठीक दे रहा आज? है आज काफी ठीक लग रहा है भाई, इसकी भी थोड़ी बॉडी बनानी पड़ेगी अभी।
देख उसकी तरह बनानी पड़ेगी तेरी बॉडी। कहाँ का रहने वाला पीयूष? उत्तराखंड। उत्तराखंड का मन लग गया है? देख ये दिल्ली का है, इसका भी मन नहीं लग रहा। अगर तू उसके साथ में बैठेगा तो फिर देखना मन थोड़ा मुश्किल से लगेगा। लग गया, लग गया। चलो ठीक है, ये खुशी की बात है भाई, ताली दो इसके लिए। ओके ओके, क्या बोल रहे हो? क्या तेरा लगाऊं मन? खड़ा हो जा, बैठी रुक जा। क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत कहाँ का रहने वाला? प्रशांत हरियाणा। कितने दिन होगा अकेडमी में? चार महीना। चार महीना होगा, लग गया मन? लाग रो है, लाग रो है। इसके साथ लाग रो करो कुछ है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही? बढ़िया जी, बढ़िया। तो इसको साथ में लेके क्यों बैठता तू? ये बैठते हैं सर। अच्छा मन लगा रहे? अच्छा हाँ, खड़ा हो दिल्ली। अरे नए पुराने तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो भी, उधर वाले भी वो वेट कर रहे, बोला हमारे पास कब आए। जल्दी बता दे क्या नाम है? जिशांत। जिशांत। जिशांत कितने दिन हो गए? पाँच दिन हो गए। लग गया मन? पक्का? कोई समस्या तो नहीं है? अब है नहीं है तो बता देनी है, समस्या खत्म कर देंगे। अरे समस्या खत्म कर देंगे ऐसे बोला है मैंने। हाँ उसका हो गया मामला सेट? प्रतीक इनको तो काफी टाइम हो गया, सबको हो गया टाइम। अच्छा इसका कोई वीडियो नहीं है? इसका क्या नाम है बेटे? क्या इसकी? अच्छा इसकी स्टाइल, वो बोल रही है इसकी स्टाइल। देखो सर दिखा रहा भाई इसकी स्टाइल सबको, ये इसकी स्टाइल है भाई, ये उसके कहने की वजह से बना रहे हैं। बोला सर इसकी स्टाइल देखो। अच्छा इसकी सेम स्टाइल? अच्छा ओहो देखो ये इसकी भी सेम स्टाइल, दोनों ने एक बंदे ने बनाई कि दोनों चोटियाँ? अच्छा एक दूसरे की बनाई है। देखो देखो कितनी लड़कियाँ, बाकी गाँव समाज में तो फालतू बदनाम कर रहे हैं लड़कियों को लड़ने के लिए, ये तो एक दूसरे की चोटियाँ बना के आ रही है भाई। हैं तुम में कभी हुई है गुथम गुथा लड़ाई? हाँ संपा कभी नहीं लड़े अभी तक? लड़ती भी है तो ऐसे ही लड़ लेती है दूर से ही। हाँ क्या नाम है? मोनिका। मोनिका कहाँ से? यूपी। यूपी से जी। मोनिका को वैसे दिन काफी हो गए हैं लेकिन ये अकेडमी में कम रही है, हवा में ज्यादा रही है। मतलब घर पर ज्यादा रही है ना मोनिका? हाँ सर। अकेडमी में कितने दिन रही है अभी? 20-25 दिन हो गए। 20-25 टोटल, टोटल मिला के 15 और ये पटा रहे। सर समझ में आ रहा है? जी सर। चलो लड़कियों को समझ में आ जाए इसका मतलब, सबको नहीं लड़कियों को कोई बात समझ में आ जाए, नहीं तो अभी मैं उसको सुमन को एक बात समझाने के लिए एक घंटा पनिशमेंट देके 25 चक्कर कटवा के और फिर भी एक बात नहीं समझा पाया। उसको सुमन को एक बात नहीं समझा पाया, लास्ट में फिर मेरे को सरेंडर करना पड़ा। मैंने बोला भाई मेरी गलती है अब बोल, तब जाके उसने बोला सर सॉरी सर। मैंने कहा अब तुम्हें नहीं मान ली गलती? बोला वो आपने मानी इसलिए मुझे लगा कि भाई मेरी भी हो सकती है। उसको एक बार समझाने के लिए एक घंटा पनिशमेंट रोड वहां दौड़ी है वो नंगे पैरों से, फिर भी समझ में नहीं आई। बात ये थी मैंने उसको ये बोला कि तेरी रेस्ट 1 बजे से 3 बजे तक थी, तो 3 बजे तुझे अकेडमी आना है, ये आई नहीं 5 बजे तक। तो फिर 5 बजे में फ़ोन करके इसको बुलाया, तो मैंने इससे पूछा तेरी गलती क्या है? तो इसने बोला ही नहीं पूरे वीडियो में कभी कि भाई मेरी गलती ये है कि मैं लेट आई हूँ ना। बोले आपने मुझे रेस्ट दी थी 12:30 बजे, आपने बोला रेस्ट है, फिर मैं 4:30 बजे प्रेम जी के पास में गई, फिर मेरे पास में फ़ोन नहीं था, लेकिन ये बात नहीं बोलती भाई मैं लेट हो गई। अगर ये सीधी ये बात बोलते कि हाँ मैं लेट हो गई आगे से नहीं होंगी तो बात खत्म हो जाती। इस बात को स्वीकार करे ही ना सुमन, इसके चक्कर में वो 25 मिनट का वीडियो बन गया। 25 मिनट बाद में इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे पता तो नहीं क्या गलती है मेरी, लेकिन आप अगर इतना बोल रहे हो तो हो सकता है कि कुछ गलत हुआ हो, है ना सुमन? ये सर समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है। चलो ये खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये, मतलब माला पहना सकता हूँ मैं इस बात पे सर को। वो तो टेस्ट वाले दिन पता चलेगा। हाँ अच्छा खड़े होइए, एक मिनट उधर आ पाए थोड़ा नजदीक का, थोड़ा सीरियस मैटर है अभी यहाँ पे, सीरियस मैटर है, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? सौम्या गुजर। कहाँ से? एमपी। एमपी में? गोरमी। गोरमी क्या मी? गोरमी। कौन सी गोरमी? अच्छा जगह का नाम है गोरमी ऐसा? अच्छा सौम्या कितने दिन हो गए? एक मिनट। वो सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? क्या पढ़ा रहे सर आज? गुणा भाग। गुणा गुणा भाग या गुणा भाग? गुणा भाग। गुणा भाग सिखा रहे, समझ में आ रहा है? पक्का
देख सही से बता देना, समझ में आ रहा है? इससे पहले सर का नाम पता है? क्या नाम क्या नाम है? पता ही नहीं नाम क्या सर का? किशन ने बताया नहीं क्या कभी नाम? अच्छा हाँ सही है, नाम ना पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो मयान। तो साधु का तो ज्ञान ले लीजिए वैसे ही। सोमिया जी समझ में आ रहा है? इसमें तो क्या है समझूंगा मैं, इसका इशारा क्या समझ में आ रहा है? ये हो सकता है, लेकिन ये समझ में आ रहा है? हाओ समझ में आ रहा है पक्का। और रीजनिंग वालों का उनका भी हाओ, और जीके वालों का नहीं उनका नहीं, और रीजनिंग वालों का तो हाओ है। चलो ठीक है, दो तो हाओ है। कितने दिन हो गए सोमी? एक महीना। मन लग गया पूरा? पूरा नहीं लगा। कभी कभी इसको क्या है वो घर की लहर आ जाती है, कभी कभी मम्मी की याद आती है। किसकी याद आती है घर पे? मम्मी की। अरे रहने दे मम्मी, तेरे को डांटती रहती है, झूठ बोल रही है। तो डांटती तो आपकी मम्मी आपको है। तो मुझे तो नहीं याद आती। मुझे तो आती है ना, मुझे मम्मी डांटती है तो मुझे तो नहीं याद आती भाई। मम्मी डांट काने कौन जाए है? मैं कब जाती हूं, आप जाने देते हो। अभी गई थी ना? तो अभी तो आपने जब रो रो के गई थी वैसे आपने जाने दिया? रो रो के गई? कितने दिन की छुट्टी गई थी? 15 दिन की गई। तो रोने का कितना फायदा हो गया? वैसे छुट्टी कितने दिन की थी? 4 दिन की। 4 दिन की थी, और रोने से कितने दिन की एक्स्ट्रा मिली? कितनी देर रोई थी तू लास्ट? 1 घंटा। बोलो 1 घंटा रोने से 11 दिन की छुट्टी मिल रही, क्या बुरा है? ओ रोने शुरू हो जाएंगे बोले ऐसे ध्यान देते बोले रो रो के। एक घंटा भी नहीं रोगी, 5-10 मिनट रोई होगी। एक घंटा रोई थी मैं घड़ी लगा के बोला घड़ी लगा 5-10 मिनट कोई लड़की के रो लेती है। सुमन मेरे पास में 2 मिनट रोई थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो बच्ची है। मुझे तो छोड़ा। कितने मिनट में छोड़ा तेरे को? 2 मिनट में छोड़ दिया। रो ली थी थोड़े सांस दिखे, फिर आधे घंटे तो रनिंग करवाया था आपने। ठीक है, और फिर आधे घंटे के वीडियो बना लिए आपने, फिर हो गए 1 घंटे, फिर छोड़ दिया था ना? तो तू जब रनिंग कर रही थी तब थोड़ा ना रो रही थी? तू रोई कब थी? जब वीडियो में बनाना शुरू किया ना, तो इसको टेंशन हो गया कि अब पापा देखेंगे, तब उस दुख से ये रोना शुरू की। रोते मैंने कहा छोड़ो यार बच्ची को छोड़ दो। ये भी 2 मिनट रोई, मैंने कहा चलो 2 मिनट रोई थी तू सच में। पहले तो एक्टिंग कर रही थी रोने की, रो थोड़ा ना रही थी। आंसू तो लास्ट में से आए थे थोड़े दिन, आंसू आए थे तो छुट्टी छोड़ दी थी। फायदा तेरा 10 मान लो, अगर 5-10 मिनट रोने में अगर 11 दिन की छुट्टी मिल जाती है तो क्या बुरा? लड़के समझ गई रोने का तरीका? अगर रोना है तो 1 घंटा रोने पे 11 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा, लेकिन अगली बार मत रोना। हाँ तू ये सोचना एक ट्रिक एक ही बार लगेगी तू सोच। हाँ और कौन है नया प्राणी? ये कल आया ना भाई, क्या नाम है? जगदीश। अभी तो ये क्लास ही नहीं दिया तो क्या रिव्यू देगा भाई? हाँ प्रभु, क्या नाम है? अखिलेश। अखिलेश कहाँ से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से? समझ में आ रहा है जी? पक्का जी। गणेशा नाम तेरे साथ आया ना, समझ में आता है उसके? ये सर आ रहा है। अच्छा क्या नाम जोड़ू? कैलाश। कैलाश कैलाश कहाँ का रहने वाला है? नागौर। नागौर का रहने वाला, समझ में आ रहा है तो? हाँ। बच्चा आ जाएगा इसके साथ। पुराना हो गया, हर बार ये नए वाले एक्सप्रेशन दे देता लड़का, ये पुराना हो गया। कितना टाइम हो गया बेटा? 2.5 महीने। बोलो ये क्या करता बेटा, हर बार जब भी आओ ना ऐसे नया लगता है बिल्कुल। तो नया है, जब नजदीक आता हूँ तो पता चलता नहीं ये पुराना है। क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह अच्छा स्टूडेंट है ये, ठीक होगा स्टूडेंट, मेहनती होगा। अब आता समझ में नहीं आता मुझे नहीं पता। अरे ये और रहा प्रभु, क्या नाम है? हरिकिशन। हरिकिशन ठीक है भाई, है समझ में आ रहा सर पटा रहे हो? यस सर। पक्का कौन खेती वाली है? ये हमारे क्लास के खेती वाली। क्यों भाई पढ़ती है? क्या बात है लाडले? आ रहा समझो सर जो पटा रहे? अच्छा आ रहा, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है ना, दिमाग बोल देता ना। तेरे पड़ोस में एक बंदा बिल्कुल नया काचा झाग रह गया इसके चक्कर में। क्या नाम है? हाँ मनीष कुमार। मनीष कुमार कहाँ से? झारखंड से। मनीष कुमार बहुत प्यारा मुस्कुराता है भाई, इसकी मुस्कुराहट देखो। हाँ सर झारखंड से। कब आया था लाडले? 8 को आया था सर, 8 अप्रैल को। अच्छा लड़का है।
अरे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बताया था ना, यहाँ के तो सब अच्छे ही है। बिहार जो कुछ मत मिलेंगे वो या तो दिल्ली के, या यूपी के, या हरियाणा के। हरियाणा के तो मुझे, मेरा एक्सपीरियंस है पुराना। ये नहीं तो ये रे, कहाँ का लाडले, कहाँ रहने वाला है? झारखंड से सर। और कितने दिन हो गए? एक महीने हो गए सर। एक महीना हो गया तुझे? यस सर। मेरे को भी नहीं लगता भाई, 8 अप्रैल को आए थे सर। और आज 8 मई हो गई। हो गया भाई, मान लिए मान लिए। ठीक हो रही पढ़ाई? यस सर, पढ़ाई ठीक हो रही। पक्का? पक्का सर। हैं? पक्का सर। तू इसे शर्मा कह रहा है, कौन देखता है वीडियो तेरे घर पे मेरे? सर मेरे भैया देखते हैं। बस भैया ही देखते ना, फिर क्या शर्मा ना, मैं कुछ और सोचते का था, बता दे। नहीं सर, सिर्फ मेरे भैया देखते हैं। भैया ही देखते हैं? यस सर। कोई रिश्तेदार रिश्तेदार तो ना देखते? रिश्तेदार को उतना मालूम ही नहीं है। अच्छा, मालूम ही नहीं है? नहीं। चलो अच्छी बात है भैया, पढ़ने में तो सीरियस है ही। हाँ, नोट बना रखे भाई इसने। अच्छा ये देखिए जरा भाई, देख इसकी नोटबुक। ए नोटबुक देखो, इसको बोलते बहुत अच्छे, इसने तो बहुत अच्छे बना रखे हैं भाई। जैसे इनको सबकी चेक करना टाइम है, सही बना रखा आपने। ये पिछला ट्रिप चौपी का है ना, और अब वापस में क्योंकि शुरू हो गया तो वो भी बना रहा है। इसके बाद अब सर शुरू से पढ़ते हैं। हाँ, भाई चलो भाई, ये देख लो, ये सारे सबका ले लिया है रिव्यू, और